फ्रेंड्स, मैं शोहम बेरा, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। आज हम लोग जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो है निस्टैग्मस। निस्टैग्मस एक्चुअली क्या है? आप लोगों ने आपके आसपास या फैमिली में या बाहर किसी को देखा है कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, मेरा आंख स्थिर है, मतलब एक ही जगह पे फोकस हो रहा है, उन लोगों का आंख फोकस नहीं होता है, ऐसे 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 करके मूवमेंट होता है, ऐसे ऐसे करके मूवमेंट होता है, ऐसे ऐसे करके मूवमेंट हो सकता है, ये मूवमेंट उसका लगातार हो सकता है। कि सोचिए कि आप जब ट्रेन में बैठे हैं कि विंडो से बाहर की चीज देख रहे हैं, आप देखेंगे जैसे कुछ जा रहा है तो हम लोग ऐसे देखते, फिर दोबारा सामने की तरफ फोकस, फिर दोबारा जाते, फिर सामने की तरफ, ऐसा करके उन लोगों का जो मूवमेंट होता है वो होता ही रहता है, और इसको हम निस्टैग्मस बोलते हैं। और अगर निस्टैग्मस हो तो एक्चुअली क्या है और कैसे आप इससे थोड़ा रिलीफ मिल सकता है, आज इस विषय के बारे में बात करेंगे। चलिए चलते हैं आज के विषय। तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि निस्टैग्मस एक मूवमेंट है, वो साइड बाई साइड हो सकता है, वो स्लो हो सकता है, वो रैपिड हो सकता है, वो एक स्विंगिंग मूवमेंट हो सकता है, तो और एक चार की मूवमेंट, मतलब आपका एक मूवमेंट जो ठीक नहीं है, मतलब हम लोग जब बात करते हैं कहीं पे फोकस करते हैं तो मूवमेंट वहां पड़ता है, नेक्स्ट टाइम जब आप कहीं पे फोकस करते हैं तो आंख हम लोग घुमाते हैं, मगर निस्टैग्मस में वो खुद भी खुद ही इधर से उधर हो सकता है। कि निस्टैग्मस यूजुअली इन्फेंटाइल, मतलब ये बहुत अर्ली एज से शुरू होता है। तो एक्चुअली ये एक देखा गया है कि एवरी 7000 बच्चे में एक ही होता है जिन लोगों का ये निस्टैग्मस होता है। निस्टैग्मस बहुत तरीके के हो सकते हैं। पहला है मैनिफेस्ट निस्टैग्मस, उसके बाद है कंजेनिटल निस्टैग्मस, थर्ड है मैनिफेस्ट और लेटेंट निस्टैग्मस, फोर्थ है एक्वायर्ड निस्टैग्मस एंड फिफ्थ है लेटेंट निस्टैग्मस। तो आइए पहले बात करते हैं हम कंजेनिटल निस्टैग्मस के बारे में। कंजेनिटल निस्टैग्मस आपको मालूम ही हो रहा है कि कंजेनिटल निस्टैग्मस एक्चुअली ये बात से पेजल होता है और एक कंडीशन है जहां पे ना आई पेंडुलम की तरह मूव कर सकता है, और ये एक्चुअली स्ट्रैबिस्मस के अंदर पड़ता है। इसमें एक्चुअली क्या होता है, जिसको भी हो वो दोनों आंख से एक साथ नहीं देखता है, कोई भी एक आंख से देखता है तो दूसरा उस टाइम काम नहीं करता। उसके बाद अभी आएंगे हम लोग मैनिफेस्ट निस्टैग्मस। मैनिफेस्ट निस्टैग्मस मतलब ये हर वक्त होता ही जाता है, मतलब कभी भी रुकता नहीं है, कभी भी बंद नहीं होता है, लगातार होता जाता है। लेटेंट निस्टैग्मस क्या होता है कि आप लोग सोचिए कि आप ऐसे देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, एक आंख बंद करने के बाद ना उसका ऐसे ऐसे करके मूवमेंट हो रहा है, मतलब एक आंख बंद करने के बाद जो निस्टैग्मस होता है उसको हम लेटेंट निस्टैग्मस बोलते हैं। और मैनिफेस्ट लेटेंट निस्टैग्मस क्या होता है, मैनिफेस्ट मतलब आपको मालूम ही है जो प्रेजेंट रहता है, और लेटेंट क्या होता है कि नॉर्मली तो ये प्रेजेंट रहता है मगर उस टाइम अगर आपने कुछ किस भी तरीके से उसका कोई भी एक आंख बंद कर देते हैं तो वो और भी थोड़ा ज्यादा तरीके से वो मूव कर सकता है, उसको हम मैनिफेस्ट लेटेंट निस्टैग्मस बोलते हैं। उसके बाद हम आएंगे कि एक्वायर्ड निस्टैग्मस। देखिए एक्वायर्ड निस्टैग्मस एक्चुअली बहुत सारी डिजीज की वजह से होता है, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ब्रेन ट्यूमर, डायबिटिक न्यूरोपैथी, कोई एक्सीडेंट जो आपको हेड में हुआ है, या कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, या बहुत सारे मेडिकेशन के साइड इफेक्ट से भी ये हो सकता है। ऐसे मतलब एक्वायर्ड निस्टैग्मस होता है तो एक्चुअली हम लोगों को फाउंड मतलब ढूंढना पड़ता है कि ये क्या क्या कारण से हुआ है, और उसको ही हम लोगों को इलाज करना पड़ता है। तो उसका इलाज अगर ठीक ठाक हो जाता है या उसको इससे रिडक्ट हो जाते हैं तो ये कभी कभी बंद ही हो जाता है। देखिए एक्वायर्ड निस्टैग्मस कंजेनिटल नहीं है, मतलब वो पहले से ही नहीं आता है, नॉर्मली चल रहा था, ठीक चल रहा था, बाद में ये हो रहा है, इसको हम एक्वायर्ड निस्टैग्मस बोलते हैं। निस्टैग्मस कॉज सिम्टम्स एंड चैलेंजेस। देखिए हम लोगों ने पहले ही बताया कि मोस्ट पीपल निस्टैग्मस जो है वो कंजेनिटल ही होता है, ज्यादातर निस्टैग्मस जितने भी हम लोग ने प्रैक्टिस के दौरान देखा है, एक्वायर्ड बहुत ही कम है, ज्यादातर कंजेनिटल होता है। और एक कंडीशन जो है, जब ये जो कंडीशन है ये सेम ही रहता है, और किसी किसी को ऐसा होता है कि कोई ट्रॉमा, कोई डिजीज, इसके वजह से भी निस्टैग्मस होता है, ज्यादातर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से निस्टैग्मस ज्यादा होता है। इसका निस्टैग्मस का मेनली टू टाइप है, एक है ऑप्टोकाइनेटिक मतलब आई रिलेटेड निस्टैग्मस, और है वेस्टिब्यूलर मतलब ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम। देखिए ऑप्टोकाइनेटिक निस्टैग्मस तो हम लोगों ने बता ही दिया है, अभी आ सकते वेस्टिब्यूलर। वेस्टिब्यूलर क्या होता है कि देखिए हम लोगों को कान में अगर कुछ इन्फेक्शन होता है, कहीं पे पानी चला गया,
वहाँ पे कुछ मतलब मेनियस डिजीज बोलते हैं हम लोग, इनर ईयर डिजीजर ऐसे कुछ होता है, तो एक निस्टैग्मस होता है कि सोचिए कि पहले मूवमेंट ऐसा होगा, धीरे जाएगा, देन सडन बैक करेगा, धीरे जाएगा सडन बैक करेगा। और ये जो निस्टैग्मस है ये एक डिकॉन्जेस्टेंट ऐसे कोई मतलब ENT स्पेशलिस्ट को दिखाने के बाद ही, अगर ये एक्वायर्ड हुआ, अब ये एक्वायर्ड ही होता है, बाद में ही होता है, तो ये ज्यादातर चले जाते हैं। देखिए निस्टैग्मस जो होता है इसको हम इनवॉल्यूंटरी बोलते हैं। इनवॉल्यूंटरी मतलब कि इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, ये हम लोगों को कंट्रोल से बाहर जाके होता है। और निस्टैग्मस क्या होता है, जब एक सोचिए कोई बच्चा क्यों हुआ है और धीरे धीरे जब वो बड़ा होता जाएगा, ज्यादातर हम लोगों ने देखा है कि ये कम हो जाता है, कभी कभी खराब भी होता है, कब जब टायर्डनेस और स्ट्रेस ज्यादा होता है तब ये बहुत ही खराब हो जाता है। निस्टैग्मस होने से एक्चुअली जो प्रॉब्लम होता है, देखिए कुछ चीज देखने के लिए, डेप्थ जानने के लिए हम लोगों को उस चीज की तरफ फोकस करना होता है। देखिए मैं जब बात आप लोगों के साथ कर रहा हूँ तो आपके तरफ देख के कर रहा हूँ, मगर मैं जब ये चीज को देखना चाह रहा हूँ तो मेरा आंख यहाँ पे घूम रहा है और यहाँ पे आके सेटल हो रहा है। निस्टैग्मस में ये नहीं होता, कभी एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो इन लोगों को देखने में बहुत दिक्कत होता है। इसी वजह से आपको भी मालूम है कि कहीं भी फिक्स नहीं हो रहा है, तो फिक्स नहीं हो रहा है तो कंटिन्यूसली अगर ये मूविंग होगा तो कोई चीज जो जैसे डेप्थ परसेप्शन ये सब करने में हम लोगों को जितना सुविधा होगा, इन लोगों को इतना ही प्रॉब्लम होगा। कुछ कुछ निस्टैग्मस इतना ही ज्यादा होता है कि हम लोग उन लोगों को लीगली ब्लाइंड भी बोल देते, क्योंकि उन लोगों का विजन देखना या ना देखने का बराबरी होता है। अगर आपके घर में या आपको ऐसे ही कुछ इनवॉलंटरी आई मूवमेंट है जैसे आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाते, तो आपको जो पहले करना चाहिए, तो देखिए आपको कहीं भी जाके कोई भी कोई ना कोई आई स्पेशलिस्ट के साथ कंसल्ट करना है कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये एक्चुअली निस्टैग्मस क्या है। क्योंकि देखिए बाद में ये खराब भी हो सकता है और भी अगर और खराब हो जाएगा तो आपका जो प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ है या आपका हैम्पर हो सकता है। तो कभी भी आपका ऐसा लग रहा है कि हमको चलो निस्टैग्मस मतलब ऐसे कुछ इनवॉल्यूंटरी आई मूवमेंट हो रहा है, तो आपको तुरंत दिखा लेना चाहिए, क्योंकि एक्वायर्ड निस्टैग्मस जो है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से ही होता है और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जितना ही जल्दी पता चलेगा उतना ही जल्दी आप वहां से निकल के आ सकते हैं। निस्टैग्मस में एक्चुअली क्या होता है कि सोचिए कि ऐसे ऐसे आई मूवमेंट हो रहा है, हम लोगों ने एक नाल पॉइंट बोल के है कि ऐसा हम लोगों ने बहुत बार देखा कि एक स्पेसिफिक सोच के ऐसे घर घुमाने से ऐसे 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 कहीं ना कहीं पे मूवमेंट करने के बाद हम लोगों ने देखा है कि आंख थोड़ा उसके जो मूवमेंट हो जाता है कम हो जाता है, कभी कभी वो रुक भी जाता है, तो नाल पॉइंट फाइंड आउट करना होता है। और उसके बाद अभी यहाँ पे इतना नहीं हो रहा है, बाहर के देश में मतलब उस नाल पॉइंट में ही ऐसे फोकस करते हैं कि देन आपको नॉर्मली आप सर सीधा रखेंगे भी तो वही नाल पॉइंट के जैसे काम करके आपको देखने में सुविधा देगा। एक्चुअली देखिए निस्टैग्मस का अगर एक्वायर्ड होता है तो उसका ट्रीटमेंट होता है कि आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस, आपका ब्रेन ट्यूमर है, आपको कोई हेमरेज हुआ है, कोई न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर हुआ, तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। मगर इसका परमानेंट मतलब निस्टैग्मस है, किसी को कॉन्जिनिटल है और वो ठीक कर पाना वो बहुत ही मुश्किल है। तो हम लोग जो करते हैं निस्टैग्मस, पहले तो बताएंगे कि आप लोगों को आई एग्जामिनेशन में रहना जरूरी है। अगर किसी को पावर रहा तो चश्मा से बेटर कंटैक्ट लेंस है, क्योंकि देखिए चश्मा अगर पहनेंगे, अगर आंख घूम रहा है तो आपका क्या होगा, सेंट्रल जो जहां से हम लोग देखते हैं वहां से आपका फोकस नहीं रहेगा। इसके लिए अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस तो आंख के साथ ही मूव करते हैं, तो क्या होता है आपको देखने में सुविधा होती है। इवन बाइफोकल कॉन्टैक्ट लेंस भी हम लोग दे सकते हैं इस बारे में, क्योंकि पेशेंट के देखने में और भी ज्यादा सुविधा होता है। तो फ्रेंड्स फिलहाल इतना ही आप लोगों को हमने आज निस्टैग्मस के बारे में बताया। तो अगर आपके आस पास या कोई है, मैं जो बताता हूँ रेगुलर, तो ये जानकारी उसको दीजिए, और अगर आपके घर में कोई है तो उनको आई स्पेशलिस्ट के साथ कंसल्ट करवा लीजिए और एक रेगुलर मॉनिटरिंग में उसको रखने की कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड्स फिलहाल आज इतना ही, आप लोग सुस्त रहिए, अच्छा रहिए, नमस्ते।